नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, रिसेंटली असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि असम के हीरो कहे जाने वाले लाचित बोरफुकन को सभी स्टेट के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाया जाए। फिलहाल असम सरकार लाचित बोरफुकन की 400th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है और इसी को लेकर असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने सभी प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि उनके यहाँ पर इतिहास की किताबों में लाचित बोरफुकन के बारे में पढ़ाया जाए। लाचित बोरफुकन 17वीं शताब्दी के अहोम किंगडम के महान सेनापति थे और उन्होंने कई बार मुगलों को युद्ध में हराया था। उनकी वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में उनके नाम का स्टैचू लगा है और ये एकेडमी हर साल अपने बेस्ट कैडेट को एक मेडल देती है और उस मेडल का नाम है लाचित मेडल, जो लाचित बोरफुकन की याद में ही दिया जाता है। साथ ही हर साल असम सरकार लाचित बोरफुकन की याद में लाचित दिवस भी सेलिब्रेट करती है। देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में काफी लंबे समय से एक बहस चलती रहती है और वो ये कि हमारे इतिहास की किताबों में या तो मुगलों के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया है या फिर ब्रिटिश रूलर्स के बारे में, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे देश के महान शासक और सेनापति रहे उस वक्त में उनको नजरअंदाज किया गया। और इसी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए लाचित बोरफुकन जैसे महान सेनापतियों को इतिहास की किताबों में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। तो देखिए, इस वीडियो में जानेंगे इसी बारे में कि कौन थे लाचित बोरफुकन और क्यों उनको इतना महान सेनापति माना जाता है। लाचित बोरफुकन का जन्म हुआ था 1622 में और वो अहोम किंगडम के सेना के सेनापति थे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि असम या जिसे हम आसाम भी कहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही उपजाऊ, खूबसूरत और महत्वपूर्ण राज्य है। चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए इस राज्य का क्षेत्रफल है 78,438 स्क्वायर किलोमीटर और इसे आजाद भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1960 को। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो भारत के इस राज्य पर 1225 से लेकर 1826 तक अहोम साम्राज्य का शासन था। देखिए, असल में अहोम साम्राज्य की स्थापना म्यांमार के शान प्रांत से आए सुकफा नाम के राजा ने की थी। इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में मानस नदी तक और पूरब में पटकई पहाड़ी क्षेत्र तक हुआ करता था। अब देखिए, अहोम साम्राज्य की स्थापना भले ही बाहर से आए लोगों ने की थी, लेकिन इसके शासकों ने बेहद ही आत्मीय तरीके से यहाँ के जो लोकल लोग थे उनके साथ अपने आप को जोड़ लिया। इस साम्राज्य के जो रूलर्स थे उन्होंने असम के बाहुल्य हिंदू जनता के धर्म के मुताबिक ही अपना शासन किया और खुद को हिंदू धर्म से जोड़कर ही पेश किया। दूसरी तरफ अगर मध्यकाल की बात करें तो हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का विस्तार कूच बिहार तक हो चुका था और अब वे बढ़ना चाहते थे पूरब की तरफ, यानी हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और इसके लिए मुगलों ने अपनी नजदीकी कूच साम्राज्य के साथ बढ़ानी स्टार्ट कर दी। जब भी कभी कूच साम्राज्य का अहोम साम्राज्य के साथ कोई भी संघर्ष होता तो मुगल हमेशा कूच साम्राज्य का साथ दिया करते थे और अहोम साम्राज्य का सबसे ज्यादा तनाव उसके पड़ोसी राज्य कूच साम्राज्य से ही रहता था। तमाम इतिहासकारों का मानना है कि मुगल दो वजह से भारत के पूर्व की ओर बढ़ना चाहते थे। पहला तो ये कि अहोम साम्राज्य की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी और मुगल उस पर कंट्रोल करना चाहते थे, और दूसरा वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में। 1615 में कूच बिहार साम्राज्य के राज परिवार में आपसी कलह स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे जो डिस्प्यूट था ये सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में उभर कर सामने आया, और इसी संघर्ष में एक गुट का समर्थन किया मुगलों ने तो दूसरों का किया अहोम राजाओं ने, और इसी क्रम में मुगलों और अहोम के बीच में कई लड़ाइयां लड़ी गई। साल 1661 में मुगलों की विशाल सेना ने अहोम साम्राज्य को काफी बुरी तरीके से हराया और उन्हें एक बेहद अपमानजनक संधि करने के लिए मजबूर कर दिया, और इस संधि के मुताबिक गुवाहाटी का नियंत्रण अहोम राजाओं के हाथों से निकलकर मुगलों के नियंत्रण में आ गया। गुवाहाटी अहोम के हाथ से जा चुका था, लेकिन साल 1667 में लाचित बोरफुकन की अगुवाई में अहोम ने एक बार फिर से गुवाहाटी को वापस छीन लिया। और जैसे ही औरंगजेब को गुवाहाटी के बारे में पता लगा तो उसने 1669 में राजपूत राजा राम सिंह को ऑर्डर दिया कि वो मुगल आर्मी और राजपूत आर्मी के साथ गुवाहाटी पर हमला करे और उसे वापस ले ले। और देखिए, उस वक्त औरंगजेब के फरमान के साथ राम सिंह जो आर्मी लेकर गए थे वो अहम राजाओं की आर्मी की तुलना में काफी बड़ी थी। मुगल आर्मी में उस वक्त 30,000 इन्फेंट्री, 15,000 आर्चर्स, 18,000 तुर्किश कैवलरी, 5,000 गनर्स और 1,000 से ज्यादा तोपे थी। साथ ही मुगल आर्मी के पास एक नावों का बेड़ा भी था, और इसी को देखते हुए लाचित बोरफुकन ने मुगल आर्मी से डायरेक्टली ना भिड़कर गुरिल्ला वारफेयर को चुना। एक तरफ तो लाचित ने अपनी थोड़ी सी सेना मुगलों से डायरेक्टली लड़ने के लिए भेजी और दूसरी तरफ अपनी सेना का बड़ा हिस्सा नाव के सारे मुगल सेना के पीछे भेज दिया,
और जब मुगल सेना पर दोनों तरफ से अटैक हुआ तो इस युद्ध में मुगल सेना की बहुत ही बुरी हार हुई और इस फेमस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ सरायघाट। और बैटल ऑफ सरायघाट इतिहास में दर्ज एक ऐसी लड़ाई है जिसमें शायद मुगलों की आर्मी को सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा था। और इसी बैटल ऑफ सरायघाट के लिए अहोम साम्राज्य के और असम के महान सेनापति लाचित बोरफुकन को याद किया जाता है। असम में आज भी उनकी कहानियां वहां के लोकगीतों में सुनाई पड़ती हैं। और देखिए मुझे लगता है सीरियसली ऐसे महान सेनापति और ऐसे महान योद्धा को सिर्फ असम के बच्चों को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।